ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हेलो, बात क्या है? अरे बाबा साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, देखती हूँ कौन है। हाँ हाँ, मैं अदा को बता दूंगी। हाँ सही है, ओके, अपना ख्याल रखो, खुदा पेश। जरीना, किसका फोन था? मेरे बाबा साहब का फोन था, वो आ रहे हैं। फौरन मना कर दो, तुम काफी नहीं हो जब वो भी आ रहे हैं। अरे मेरे बाबा साहब जब भी आते हैं खाली आते नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मैंने तो कभी उनके हाथ में कुछ ना देखा सिवाय लकीरों के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बता दूंगा, मैं सीमा मैडम को बता दूंगा। ओके, किसका फोन था जानी? जो बाइडेन का, कह रहा मैं अपनी भैंसे बेच रहा हूँ, चाहिए तो लमसम सौदा कर लो। जो बाइडेन का? और तुम्हें फोन करा था भैंस बेचने के लिए, दवा खाई थी सुबह? जो बाइडेन ने? तुमने, जो वो तुम्हें फोन करेगा? क्यों नहीं कर सकता, इतना बड़ा आदमी है, फोन तो होगा उसके पास। हो सकता है बैलेंस ना हो तभी ऐसा हो। अरे तुम दोनों तो पक्का ही हो गए हो। जानी किसका फोन था? क्लाइंट का फोन था, कह रहा है कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, चेक कर लें। वाह वाह जानी, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम इतनी मेहनत से काम करते हो। अरे ये खाक मेहनत करता है, ये तो आराम में ज्यादा मेहनत करता है। ए जरीना, मुझे चढ़ाया मत करो। अच्छा चलो ठीक है, वो बाबा साहब आ रहे हैं, वो थोड़े से परेशान है, तुमने उनकी मदद करनी है। क्या मसला है? पला वो तो आके पता चलेगा। हाँ ये भी है, चलो मैं कुछ जरा काम कर लूँ। तुम फौरन मना करो, उनको नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्यों, हमारे अदा का घर है, हमारा अपना जाति घर है, बढ़िया ही रोब झाड़ने वाली, देखू बाबा साहब पहुंचे कहाँ हैं। हेलो बच्चू, बच्चू। अरे बाबा क्या हो गया है? मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है। अरे बाबा कैसी बात पे, शीशे के सामने खड़ा होना गलत बात तो नहीं है? सब खड़े होते हैं बाबा, शीशे के पीछे खड़ा हूँ क्या? मैं शीशे की बात नहीं कर रही, मैं बाबा साहब की बात कर रही हूँ, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे बाबा मेरे पापा से तुम्हें क्या मसला है? मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया है, पार्टी है घर में। अरे तो पापा ने उनसे क्या लेना देना है, कच्चा खा जाएंगे क्या पापा? बच्चू भाई। हाँ बाबा। वो नदीम साहब का बिल आपके पास है? अरे बाबा नदीम साहब? अरे बाबा वो फिल्म वाले? अरे बाबा उनका बिल तो इंडस्ट्री वालों के पास होगा ना। अरे भाई मैं अपने ऑफिस वाले नदीम की बात कर रहा हूँ। अरे बाबा उनका बिल मेरे पास क्या करेगा? जानी मेरी फ्रेंड जा रही है, खाने में कुछ अच्छा सा बनाना। और मेरे बाबा साहब आ रहे हैं, खाना जरा ज्यादा बनाना बाबा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरी फ्रेंड्स के लिए बनेगा। अरे भाई मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बना रहा, सबको बोले अपना अपना रिस्क अपने साथ लेके आए। वैसे भी मैंने सुना है मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है। बकवास बंद करो अपनी, और जैसा मैंने कहा वैसा करो। समझ आई जानी तुम्हें? बच्चों भाई इतना रोब? अरे बाबा ये रोब नहीं है, लाड है। लाड? लाड में बेइज्जती तो नहीं होती? अरे बाबा बेइज्जती होती उस वक्त है जब लाड होता है। अच्छा एक बात का पता है, बाबा सही आ रहे हैं। अरे बाबा तुम्हारी मैडम ने अभी तो बताया है। चलो मैं कुछ सामान लेके आता। ले आओ बाबा, ले आओ जल्दी से ले आओ। किसी को बेइज्जती फील तो नहीं हुई? अल्लाह खैर करे, मुझे तो नहीं हुई है। अरे अंकल आप? अरे तुम्हारे मुंह से अंकल सुनता हूँ तो मुझे जहर लगता है यार। बच्चू किधर है? आज तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, खैरियत तो है? अरे बाबा जानी वो लड़की उन्हें मेरा जीना हराम कर दिया है, पीछे पड़ी गई। तो आप उनको आगे क्यों नहीं जाने देते? ओ फोन कर दिए मुझे। अच्छा अच्छा, किस्तों पे तो कोई चीज नहीं ले ली? ओहो यार वो मैसेज करती है बाबा, मैसेज। मुझे लगता है कोई स्कीम आई होगी। अरे नहीं बाबा। अरे तो फिर क्यों आपको वो कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है? कौन हो आप? कोकाब के बादशाह हो, शहजादा हो, हुसन के पहाड़ हो, क्या हो आप? अरे बाबा वो सभा है ना लड़की, एक सभा है, वो मुझे मैसेजेस करती रहती है। हाँ, अब तुम ऐसा करो तुम उसका पता लगाओ। हाँ लेकिन ये मैं किसी को बताना नहीं। तुम असल में यार मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और ये काफी दिनों से बात की तबा। बाबा साईं आप बोला कब आए? मैं अभी आया हूँ बाबा, अभी मैं आया हूँ। खैरियत तो आप बता रहे थे कि आप कोई परेशान हो? नहीं बाबा, वो कारोबार का मसला था, वो हल हो गया। अच्छा चलो भला ठीक है, अंदर आराम कर लो, मैं आपके खाने के लिए कोई बंदोबस्त करती हूँ। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चलो बाबा।
बाबा साहब मैं तो ऐसे ही डर गई कि पता नहीं क्या बात है, भला आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। अरे बाबा मेरे आने से किसी को क्या मसला होता है। बाबा साहब वो बच्चू की बीवी को अच्छा नहीं लगता। बच्चू? हाँ मेरा मतलब है कि हम को यहाँ आने से है। अरे बाबा मेरे बेटे का घर है, कोई बेटी का घर थोड़ी है। अरे बाबा साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा साईं अचानक आने की वजह खैर है? अरे बाबा वो एक काम की वजह से परेशान हूँ मैं। बाबा काम में तो परेशानी चलती है, इसमें क्या बात है। अच्छा भला ये बताए कि खाना क्या खाएंगे? अरे बाबा बीफ बिरयानी खिला दो और क्या खिलाओगी। अरे बाबा सही आज बीफ नहीं मिलेगा, आज मंगल है। तो चिकन खिला दो बाबा। बाबा चिकन बिरयानी नहीं खानी चाहिए, वो क्या नाम है बर्ड फ्लू बाबा, उसमें बीमारी चल रही है। अरे बाबा तो फिर मछली खिला दो यार। बाबा सही मछली तो पकड़नी पड़ेगी ना। ऐसा करती हूँ मैं आपके लिए पानी बना के ले आती हूँ। शरबत? अब बाबा सही आप बात क्या है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे बाबा मसला ये है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। क्या? अरे 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 कौन है आप? क्या मतलब, ये सीमा का घर ही है ना? जी जी सीमा का ही घर है। ये सभा है, मैं एनी हूँ, सीमा की फ्रेंड। सीमा कहाँ है? जी जी बिल्कुल है। हाँ तो फिर आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? तो मैंने मना कब किया आपको? तो आप रोक भी नहीं सकते। बाय द वे आप नौकर है ना? शक्ल से मैं आपको प्रिंस चार्ल्स लग रहा हूँ क्या? बिल्कुल नौकर लग रहे हैं आप। जवाब दुरुस्त है आपका, बेइज्जती हो गई मेरी। बड़े खुश लग रहे हैं, क्या पहले कभी नहीं हुई? हुई है लेकिन इतनी नहीं जितनी आज हुई है। ये सब छोड़िए आप, मुझे ये बताइए सीमा अंदर है? जी जी सीमा अंदर है, चले चले चले। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं चाय कौन पिलाएगा? अल्लाह पिलाएगा। अल्लाह? क्या क्या मतलब? मेरा मतलब है मिल जाएगा। आए चले चले, सीमा मैडम इंतजार कर रही है। जी चले। आइए 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 आइए। बैठो ना, कहाँ है सीमा? सीमा मैडम, सीमा जी। अरे सभा एनी, आ गए तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता था, तुम बुलाओ हम ना आए। बैठो बैठो बैठो। वैसे सीमा ये कौन है? ये मेरा मैनेजर है जानी। ओहो मॉडर्न जमाना है भाई, नौकर को भी मैनेजर का नाम दे दिया है। ये जब से आप इस घर में एंटर हुई हैं, बेस्ती पे बेस्ती किए जा रही है मेरी। अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो, सीमा मुझे चाय पिलाओ, सर में दर्द है मेरे। जानी मेहमान है ये हमारे, जाओ चाय लेकर आओ। और बताओ सीमा काम कैसे चल रहा है? बस कभी कभी ऑफिस चली जाती हूँ, वरना तो ये सारा काम जानी संभालता है। ये नौकर? अच्छा। अरे बाबा सीमा मेरी वो सैंडल नहीं मिल रही है। आप सैंडल पहनते कब है? अरे बाबा बाबा आज दिल कर रहा है पहनने का। तो फिर मेरी पहन जाओ। अरे कैसा मजाक करती हैं आप। अब सीमा अब ये कौन है? मैं पहले सीमा का शौहर था। जी हाँ बाबा, और अब ये मेरी बीवी है। एक मिनट मैं समझी नहीं। अरे ये मेरे हस्बैंड है। आपको पता है हस्बैंड क्या होता है? क्या होता है? अरे बाबा जिस हज पे जो है ना बैन लगा वो हस्बैंड होता है। बच्चू जाओ यहाँ से। अरे बाबा क्या हो गया अगर मैं बैठा हूँ तो? जाओ। अच्छा बाबा जाता हूँ, फिर मिलते हैं। ये बस ऐसे मजाक करते रहते हैं। अच्छा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे क्या यार, जिसको देखो मुंह उठा के यहाँ आया। अरे जानी बाबा क्या हुआ, किसे अकेले अकेले बातें कर रहे हो बाबा तुम? गरीब की कोई इज्जत नहीं है। अरे किसने कहा? वो आई है ना सभा और रहनी। अब मेरी वाली सभा आई है? हाँ हाँ आप वाली। यार तुमने तो जानी कमाल कर दिया। मैंने नहीं किया, खुद ब खुद हो गया। तुमने मेरा बताया उसको? पहले मेरा ख्याल तो करे ना। हाँ हाँ बाबा। अच्छा ये लो बाबा साईं। हाँ बाबा। बाबा साईं नौकरों को इतने पैसे नहीं देते, काम का ये बिगड़ जाएंगे। अरे बाबा ये नौकर नहीं है, ये हमारा बच्चा है। ठीक है भला जो भी, लेकिन को इतने पैसे नहीं देते। इधर दो इधर दो। ओहो 50 रुपए, इतना बड़ा नोट। हाँ हाँ बहुत बड़ा नोट है, बाबा साईं ओढ़ के सोते हैं इसको। अच्छा भला इस बात को छोड़िए, बताओ कि भला घर में कौन आया है? जाके खुद देख लो। अच्छा चलो ठीक है मैं देख रही हूँ। और खबरदार मेरे बाबा साहब, जो तुमने दोबारा पैसे लेने की कोशिश की तो अपनी कंट्रोल में रहो तुम। अच्छा बात सुनो,
इसको तो कुछ बताया नहीं है ना तुमने? नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं बताया, लेकिन बाबा साहब मेरा भी तो थोड़ा ख्याल रखें। अरे अभी तो दिया है बाबा, देखा नहीं आपकी बेटी लेके चली गई। अरे बाबा जाने, अब थोड़ी सी उधार भी तो कर लो ना यार, पहले की भी 5,000 ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ ये भी उसी में शामिल कर दिया, पूरा हिसाब दे दूंगा मैं तेरे को। और बस मेरा जाके सभा को बता दो कि मैं यही हूँ। सभा को भी मैंने बताना है? पैसे वैसे बढ़ाए नहीं बढ़ाए? अरे कहाँ कंगले हैं, 3 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। अच्छा तू नौकरी कैसे करा? कैसा चल, तू एक काम कर, तू करता रहे, तू निकल अभी अभी निकल। हाँ भाई सलाम वालेकुम। अरे भाई बात तो सुन लो। तभी सही है तुमको, आते जाते लड़कों को आवाजें मारते हो। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? शौकत भाई एक काम था आपसे। टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, वरना हम तो चाह रहे थे 2 पैसे आपके भी बन जाते। अच्छा बोलो क्या बात है। नहीं यार टाइम कहाँ है आपके पास भाई, आप तो जल्दी में हो। अरे भी है घंटा बोलो। यार वो बात ये है कि हम ना पीछे ग्राउंड में टूर्नामेंट करवा रहे हैं क्रिकेट का, आप टीम डालोगे? मेरे पास टीम का है। अरे किसी भी टीम पे पैसे लगा दे शौकत भाई, टीम जीत गई तो 1,00,000 रुपए आपके, और हार गई तो? कोई बात नहीं आपका नसीब। लेकिन ये पैसे कितने लगाने पड़ेंगे? 50,000 लगाओ और 1,00,000 ले जाओ। देख लो भाई हार जाओ। कैसे हारेंगे यार, हम दोनों रेफरी हैं भाई, ऐसी बेईमानी करेंगे, ऐसी बेईमानी करेंगे, आपको हारने ही नहीं देंगे यार। अच्छा लेकिन बेईमानी ना ईमानदारी से करना। बेफिक्र हो शौकत भाई, आप टोकन कर दें। कितने? आप 2,000 रुपए टोकन कर दें, मैं आपकी टीम पक्की कर देता हूँ। ठीक है फिर दे देता हूँ मैं, देख लो बनवा दे देना। 1,000 और ये 2,000। क्या बात है क्या बात है। वैसे ये टूर्नामेंट है कब भाई? यही 3 साल बाद। पैसे वापस करो भाई। एक साल बाद। क्यों भाई? अरे भाई मैच है ना यार 2 साल बाद, और आपने टीम भी तो इतनी देर से डाली है 1 साल बाद। अरे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप समझ जाएंगे, पक्का समझ जाएंगे 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद पैसे दो वापस चलो। अरे यार ले लेना 1.5 साल बाद। अबे इधर आ, मैं छोड़ूंगा नहीं, 6 साल बाद बता रहा हूँ यार। मेरे समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो जी मामा। क्या मामा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे वो सीमा है ना, उसने मुझे खाने के लिए रोक लिया है। क्या कैसी बातें कर रही है मामा, पार्सल बोलना अच्छा नहीं लगता है। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा मामा मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, सही है? ओके 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 बाय। हाँ हाँ करती हूँ ना, बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी, मुझे ना आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। जी जी, मेरी शादी नहीं हुई है। अरे हमको कैसे पता चला, मैं ये पूछने वाला हूँ। क्योंकि खूबसूरत लड़कियों से लोग यही सवाल पूछते हैं आके। अरे बाबा सब बात तुम इधर। अब आप कौन है? अरे बाबा रोज मैसेज करती रहती हो, अब तुम मेरे को पहचानती नहीं हो। अरे बाबा मैं हूँ मौलादाद। इस पे बनती है दाद। मौलादाद? मैं किसी मौलादाद को नहीं जानती। बहुत अच्छे भाई, बाबा रोज 200 रुपए का मैं बैलेंस भेजता हूँ, अब मेरे को तुम पहचानती भी नहीं हो है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाबा पहले तो दिमाग ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत में तो दिमाग हमारा ठिकाने है ही नहीं। जी? अरे बाबा तुमको ढूंढ रहा हूँ चार्जर की तरह। जी? और प्यार करता हूँ मोबाइल की तरह ना। अरे अब हम हो जाएंगे एक हैंड फ्री की तरह। सीमा! अरे 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 सीमा! अरे बाबा ये किधर चली गई? चली गई है बिजली की तरह। अच्छा तो फिर हम इसके पीछे जाते हैं। कहाँ गई? अरे बाबा आप अकेली बैठी हैं, वो सीमा कहाँ है? वो शायद खाने का अरेंजमेंट करने गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वैसे क्या करती हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा ये क्या होता है? मैं लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा फिर आप मेरी मदद करेंगी ना? क्यों, आप कौन से डूब रहे हैं? अरे बाबा मैं सीमा से खुश नहीं हूँ। क्यों? बस वो मुझे हमेशा बेइज्जत करती रहती है। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, बीवी है आपकी? अरे नहीं बाबा बस बहुत हो गया, अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। अच्छा कोई मसला ही नहीं है, लेकिन पहले आप सीमा से तो पूछ लें। अरे बाबा वो कह चुकी है। हद होती है हर बात की। अरे बाबा क्या हो गया, अजीब बदतमीज इंसान है। कौन बाबा? अरे ये वो मौलादाद कौन है वो? अब मौलादाद बाबा वो चौकीदार है। चौकीदार और इतना बदतमीज। अरे बात क्या है? अरे बिला वजह मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बाबा मौलादाद। हाँ अच्छा बाबा मैं अभी पता करता हूँ बाबा, देखता हूँ देखता हूँ। अजीब लोग हैं, पूरे घर वाले ही अजीब हैं ये लोग। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे जानी जानी, बाबा ये बाबा सही कहाँ हैं? पता नहीं, अभी सभा के पीछे गए। बाबा सभा कौन है? रोज उसका मैसेज आता है और ये 200 का बैलेंस डाल देते हैं। अरे बाबा जानी ने पहले तो कभी नहीं बताया है। मुझे बताया था ना, इसी चक्कर में तो वो यहाँ आए। अड्डा, ये बाबा सही को देखो भला, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे? अरे बाबा मैंने प्यार किया है, कोई चोरी तो नहीं की ना बाबा? लेकिन बाबा की किससे है मोहब्बत? अरे बाबा सभा है, सभा वो सीमा की दोस्त सभा। हाँ अड्डा, वो छोकरी इनको रोज मैसेज करती है। वैसे आपको पक्का यकीन है कि वो वही है जो वो है? अरे बाबा जाने बताओ ना यार। हाँ वही है, वही है। अच्छा चलो ऐसा करते कि खुद ही चल के पूछ लेते कि वो या कोई और है। चलो हाँ बाबा, चलो बाबा, चलो बाबा, ये सफाई करो पहले। टेंशन लगा के रखिए, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। क्या सच बताओ, ऐसा कहा बाबा साई ने? जाहिर सी बात है, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए। और वो तुम्हारा शौहर दूसरी शादी का कह रहा है, तुमने इजाजत दे दी है क्या? नहीं तो अभी बताती हूँ मैं इसे। जानी जानी, आया आया। जी मैडम। हाँ दसीमा से पूछो, अदा तो बाद में पूछेगा, पहले मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है। पहले तो आप ये सभा से पूछें, अंकल को रोज मैसेज क्यों करती है? मैं मैसेज करती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बाबा क्यों, 200 रुपए का बैलेंस नहीं आता क्या? बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी मेरे पास ना बिलिंग वाला सिम है, क्यों एनी? अरे एनी बाबा तुम भी आई हुई हो? अब बाबा इसने क्या कर दिया है? अरे बाबा ये भी कभी कभार मुझे जो ना मैसेज करती रहती है ना। मेरे क्या हो गया अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है? मेरे बाबा साई झूठ नहीं बोलते, सभा का नंबर पहले से ही है मेरे बाबा साई के पास। बाबा साई यहाँ पे काम करें, अपना मोबाइल निकालें बाबा, उस पे सभा का नंबर डायल करें, अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। अभी करते हैं बाबा, ठीक है। यही यही यही। हेलो हेलो हेलो, हाँ सभा। अरे बाबा किधर है तुम? अरे दरवाजे पे है, अरे दरवाजे पे क्यों बाबा, अंदर आ जाओ ना तुम। आ जाओ ठीक है। बाबा जानी भी ये तो फिर सभा ना हुई, ये तो कोई और है। हाँ बाबा, बाबा फिर मैं तो माफी मांगूंगा आपसे ना, माफ कर। लेकिन ये दूसरी सभा कौन है? ओहो जानी वाला, बाहर जाओ, वो दूसरी सभा को अंदर ले आओ। मैं देखता हूँ। हाँ। हाँ बाबा देखो, मैं बाबा साईं की तरफ से आप दोनों से माफी मांग। और जो तुमने एनी से कहा उसकी भी माफी मांगो। अरे बाबा साईं, बच्चू सभा से नहीं, देखो कौन है। अरे बाबा ये कौन है? सभा, बाबा जानी वाली सभा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अब किस बात कितनी जल्दी है? बस एक जरूरी काम है। जरूरी काम? ऐसा कौन सा काम है? अरे बाबा हर बात बतानी जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है बच्चू, मैं बीवी हूँ आपकी। बाबा जानी, अच्छा वापस कब जाएंगे? तुम कह देते तो मैं वहीं से बाहर से भी चला जाता। मैं नहीं, नहीं बाबा जानी, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आए हैं तो आराम से ही जाएंगे ना। अरे नहीं बाबा, मैं क्यों रुकूंगा, मैं तो शाम को चला जाऊंगा बाबा। अच्छा वैसे भी मुझे याद आया, उन्होंने कहा था बाबा कि अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। बच्चू भाई पार्टी से मिलने जा रहे हैं या अगवाकारों से? अरे बाबा वो कोई पार्टी वार्टी नहीं है बाबा, दूध वाले हैं, और तुम्हें क्या पता दूध वाले कैसे होते हैं। आपके लिए कुछ लाऊं मैं? हाँ मेरे लिए जहर लाओ बाबा। अरे बाबा जानी इस तरह करेगा तो फिर वो तो जेल में चला जाएगा। बाप की जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है तेरे? ये रिश्तेदारियां बढ़ाने का टाइम नहीं है, बाहर आओ ना। अरे बाबा आप लोग अंदर आ जाओ, साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। और सुना नहीं तुमने साहब क्या कह रहे हैं? नीचे उतरो, ये कोई वारदात करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है ये गाड़ी भी छीनी हुई है। नहीं नहीं सर, गाड़ी इसी की है बच्चू, कागज कहाँ है? अरे बाबा तुम भी वही कागज की बात कर रहे हैं, कागज होते हैं क्या गाड़ी के? अगर तुमने ये नहीं किया ना बाबा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, बाबा जानी मुझे मार देंगे। नहीं नहीं बच्चू, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बेगम मेरी बात समझने की। बाबा साईं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के गुस्सा हो रहे हैं, बाबा साईं तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। बाबा देख जरीना, तू ही है जो मुझे बचा सकती है बाबा जानी से। अरे नहीं बाबा, बाबा साईं तो घर में, ये सब उनके सामने कैसे होगा? बाबा कई दफा उस बेचारे को गुर्दों के दिल का दौरा पड़ चुका है। जरीना जरीना। अरे जरीना नहीं अम्मा, देखे पुलिस अफसर साहब, बेचारा बच्चा पागल हो गया। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, बट्टा सट्टा जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम भी।
खट्टा मीठा।